सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। सभी स्टूडेंट क्लास से जुड़ जाइए, आज की अपनी प्रश्नोत्तरी होने वाली है खरपतवार विज्ञान वीड साइंस। खरपतवार विज्ञान वीड साइंस, चलिए फटाफट सभी स्टूडेंट लिंक को शेयर कर दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बहुत अच्छे क्वेश्चंस कलेक्शन है यहाँ पर। कल की क्लास में अपने मृदा क्षरण पर डिस्कस किया था। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। सरोज दयाल वेरी गुड मॉर्निंग, जेम बोला ओला वेरी गुड मॉर्निंग, सुभाष शिवराण बिल्कुल, सुभाष शिवराण आप डाउट व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो मेरे को पर्सनली, है ना। व्हाट्सएप पर आप जो भी कोई डाउट हो भेज सकते हो क्लास होने के बाद में। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग रेखा बदला, वेरी गुड मॉर्निंग माया सेन, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी फटाफट लिंक को शेयर कर दीजिए, फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। अभी 17 स्टूडेंट केवल क्लास से जुड़ पाए, फटाफट लिंक को शेयर कीजिए एंड क्लास को लाइक कीजिए। चलो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। खरपतवार विज्ञान के पितामह हैं, द फादर ऑफ वीड साइंस इज पीटर डिक्रेसेन जी, ट्रिपलेट, थर्ड ऑप्शन जेथ्रो टूल, फोर्थ है कोई नहीं। बताइए यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पर। हाँ वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड। यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जेथ्रो टूल। क्या होगा? जेथ्रो टूल। देखो यहां पर जो खरपतवार विज्ञान के जो पिता है वो है जेथ्रो टूल, और जेथ्रो टूल ने एक बुक भी लिखी थी, उस बुक का नाम था हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। हॉर्स होइंग हस्बेंड्री नामक पुस्तक भी किसने लिखी थी? जेथ्रो टूल ने ही लिखी थी, ठीक है। शून्य भू परिष्करण शब्द भी किसने दिया था? जेथ्रो टूल ने ही दिया था, ठीक है। या फादर ऑफ टिलेज, सॉरी फादर ऑफ टिलेज भी कौन थे? फादर ऑफ टिलेज। भू परिष्करण के जनक भी कौन थे? जेथ्रो टूल ही थे। तो यहां पर पता होना चाहिए खरपतवार विज्ञान के जनक भी कौन है? जेथ्रो टूल है, ठीक है। शून्य भू परिष्करण या सॉरी भू परिष्करण के जनक भी कौन है? जेथ्रो टूल ही है, ठीक है। और हॉर्स होइंग हस्बेंड्री पुस्तक भी किसने लिखी थी? जेथ्रो टूल ने लिखी थी। यहां पर जो ट्रिपलेट ऑप्शन में है ये है शून्य भू परिष्करण के पिता, ठीक है, जी वी ट्रिपलेट। इनका नाम है जी वी ट्रिपलेट। जी वी ट्रिपलेट कौन थे? शून्य भू परिष्करण के पिता में, है ना। भू परिष्करण के पिता कौन थे? जेथ्रो टूल। लेकिन शून्य भू परिष्करण के पिता कौन थे? जेवी ट्रिपलेट। बात करते हैं पीटर डिक्रेसेन जी, जो पीटर डिक्रेसेन जी हैं वो है फादर ऑफ एग्रोनॉमी। क्या है? फादर ऑफ एग्रोनॉमी, फादर ऑफ एग्रोनॉमी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस खरपतवार की जड़ों से ट्रांसजेनिक अम्ल स्रावित होता है जो एलिलोपैथी प्रभाव के लिए उत्तरदायी होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाइल्ड ओट, ऑप्शन सेकंड कैरेट ग्रास, ऑप्शन थर्ड फेलेरिस माइनर, और ऑप्शन फोर्थ है एनिहिलेट। बताइए यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। यहां पर बिल्कुल सभी के आंसर बिल्कुल सही है, मैं देख पा रहा हूं। यहां पर बिल्कुल जो करेक्ट आंसर होगा गाजर घास। वेरी गुड, सभी का आंसर सही है। यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो पार्थेनियम स्पीसीज या जिसको डॉक्स स्पीसीज भी कहते हैं। यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा? कैरेट ग्रास। यहां से इस जो जो स्त्रावित होता है ये किसके लिए? एलिलोपैथी प्रभाव के लिए उत्तरदायी होता है। कौन से प्रभाव के लिए? एलिलोपैथी। क्या होता है एलिलोपैथी प्रभाव? एलिलोपैथी प्रभाव यानी कि जो पसली पौधों में जब गाजर घास उगेगा तो उसके जड़ों से जो ये ट्रांसजेनिक एसिड जो स्त्रावित होगा वो फसल की वृद्धि को क्या कर देता है? रोक देता है। यानी कि एक जीव हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करके दूसरे जीव की वृद्धि को यदि रोक दें तो उसे कहते हैं एलिलोपैथी इफेक्ट। क्या कहते हैं? एलिलोपैथी इफेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यहां पर जो वाइल्ड ओट है ये क्या है? एवेना फेतुआ।
ठीक है, जंगली जई एवेना फेतुआ। फेलेरिस माइनर क्या है? फेलेरिस माइनर है यहाँ पर कैनेरी घास, जिसे गुल्ली डंडा भी कहते हैं, गेहूं का मामा भी कहते हैं। ये क्या है? मिमिक्री वीट। किसका मिमिक्री वीट है? मिमिक्री वीड ऑफ वीट। गेहूं का क्या है? गेहूं का मिमिक्री वीट है, है ना? गेहूं का मिमिक्री वीट कौन सा है? फेलेरिस माइनर। और एनिहिलेट क्या है यहाँ पर? सत्यानाशी, जिसको कहते हैं आर्जिमोना मैक्सिकाना। सत्यानाशी को क्या कहते हैं? आर्जिमोना मैक्सिकाना, जो क्या है? सीड मिमिक्री वीड है। सीड मिमिक्री वीड, वीड ऑफ मस्टर्ड। ये ध्यान रखना है, ये प्लांट मिमिक्री वीड नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे सीड मिमिक्री वीड। यानी कि इसके जो बीज होते हैं वो सरसों के बीजों से मिलते जुलते बीज होते हैं। किसके? सत्यानाशी के। अगला क्वेश्चन, किस खरपतवार में सेंसर प्रक्रिया, सेंसर मैकेनिज्म पाई जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन विच वीड द सेंसर प्रोसेस इज फाउंड? फर्स्ट ऑप्शन है वाइल्ड ओट, सेकेंड ऑप्शन है कैरेट ग्रास, थर्ड ऑप्शन है फेलेरिस माइनर, फोर्थ है एनिलेट। बताइए यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? सुरज्ञान चौधरी। अच्छा, फर्स्ट वाली क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, तो यहां पर बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। यहां पर बिल्कुल सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहां पर होगा एनिहिलेट, यानी कि सत्यानाशी आर्जिमोना मैक्सिकाना जो होता है वो उसमें सेंसर मैकेनिज्म पाया जाता है। बात करें सेंसर मैकेनिज्म क्या होता है, यानी कि हवा के प्रभाव के कारण, हवा के प्रभाव के कारण जो इसमें जो बीज बनते हैं उसका जो स्पुटने फली फूटती है, तो इसके बीज 10 से 20 मीटर की दूरी तक, 10 से 20 मीटर की दूरी तक उछल कर जाते हैं। कितनी दूरी तक उछल के जाते हैं? 10 से 20 मीटर की दूरी तक इसके बीज उछल कर जाते हैं, जिसको कहते हैं सेंसर मैकेनिज्म। ठीक है, बिल्कुल ऐसे फली एकदम से फटती है और फटने से बीज उछल जाते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, कैनेरी घास किस फसल का मुख्य खरपतवार है? कैनेरी ग्रास आर द मेन वीड ऑफ विच क्रॉप? यहां पर देखो, कैनेरी घास, पहले तो ये पता होना चाहिए कि कैनेरी घास किसे कहते हैं। कैनेरी घास किसे कहते हैं? कैनेरी घास कहते हैं फेलेरिस माइनर को, या गुल्ली डंडा को कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो फेलेरिस माइनर है वो कौन सी फसल का मुख्य खरपतवार है? तो बिल्कुल सभी का आंसर बिल्कुल सही है, मैं देख पा रहा हूं। जो फेलेरिस माइनर या जो कैनेरी घास है, किसका मुख्य खरपतवार है? वीट का प्रमुख खरपतवार है। किसका खरपतवार है? वीट, गेहूं का प्रमुख खरपतवार है। बिल्कुल सही है, वेरी गुड, वेरी गुड। पंकज वर्मा तीन नंबर, मंगलचंद वेरी गुड, बाबूलाल वेरी गुड तीन नंबर, बिल्कुल सभी के। अनिता चौधरी वेरी गुड, दीपिका बेरा वेरी गुड, वेरी गुड। पिंकी बाना तीन नंबर, बिल्कुल सभी के आंसर यहां पर सही है। सर अगले, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से द्विवर्षीय खरपतवार है? द फॉलोइंग आर बाइनियल वीड्स। फर्स्ट ऑप्शन चिकोरी, सेकंड है वाइल्ड कैरेट, थर्ड है वाइल्ड कैबेज, फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। बताइए यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल यहां पर मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल जो सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहां पर जो द्विवर्षीय खरपतवार हैं वो ऑल ऑफ दीज, यानी कि यहां पर उपयुक्त सभी खरपतवार कैसे हैं? द्विवर्षीय हैं। यहां पर सभी खरपतवार कैसे हैं? द्विवर्षीय हैं। चिंकोरी है, जो चिकोरी है, जो कासनी है जिसे कहते हैं चिकोरियम इंटाइवस। क्या नाम है इसका? चिंकोरियम इंटाइवस। जो जंगली गाजर है डॉक्स स्पीसीज। क्या नाम है? डॉक्स स्पीसीज। ध्यान रखना है, बिल्कुल क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, डॉक्स स्पीसीज किसका नाम है? जंगली गाजर का नाम है। क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा कि निम्न में से द्विवर्षीय खरपतवार है, या निम्न में से द्विवर्षीय खरपतवार को चुनिए। तो यहां पर आपको पता ना होना चाहिए कि द्विवर्षीय खरपतवार है वो है चिकोरी, एक जंगली गाजर, एक जंगली गोभी। जंगली गोभी का क्या नाम है? ल्यूनिया एस्प्लेनिफोलिया। क्या नाम है? ल्यूनिया एस्प्लेनिफोलिया। ल्यूनिया एस्प्लेनिफोलिया किसका नाम है? जंगली गोभी का नाम है। डॉक्स स्पीसीज किसका नाम है? जंगली गाजर का नाम है। बिल्कुल ये पता होने जो चिकोरियम इंटाइवस किसका नाम है? कासनी का नाम है। चिकोरियम इंटाइवस, चिंकोरियम इंटाइवस किसका नाम है? कासनी का नाम है। तो यहां पर आपको साइंटिफिक नेम भी इसके साथ याद होना चाहिए, और यह भी पता होना चाहिए कि द्विवर्षीय खरपतवार कौन कौन से हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से नटसेज के रूप में जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज नटसेज? फर्स्ट ऑप्शन बथुआ, सेकंड ऑप्शन एनीलेट, थर्ड ऑप्शन है धूप घास, फोर्थ है यहां पर मोथा। बताइए यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यहां पर करेक्ट आंसर का चुनाव कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है बथुआ, सेकंड एनीलेट, थर्ड है धूप घास, फोर्थ है मोथा। यहां पर बिल्कुल सही मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल सभी के आंसर लगभग सही है। यहां पर जो नटसेज कहा जाने वाला खरपतवार है वह मोथा। कौन सा खरपतवार है? मोथा। नटसेज यानी कि कौन से कुल से बिलोंग करता है? सीजेसी कुल से, सीडेसी, सीडेसी कुल से बिलोंग करता है। फैमिली क्या है इसकी? सीडेसी कुल है। और इस कुल के खरपतवारों को क्या कहते हैं? सीडेज कहते हैं। क्या कहते हैं? सीडेज, है ना, सीडेज कहते हैं। इस कुल के खरपतवारों को क्या कहते हैं? सीडेज कहते हैं। और यहां पर जो मोथा का जो प्रवर्धन होता है वो किससे होता है? कंद द्वारा होता है। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि जो नटसेज कहा जाने वाला जो खरपतवार है वो है मोथा, है ना। और मोथा कौन से कुल से है? सीडेसी कुल से है। और इस कुल के खरपतवारों को क्या कहते हैं? सीडेज कहते हैं। क्या कहते हैं? सीडेज। दहन का नकलची खरपतवार है, पेडी मिमिक्री वीड इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दहन का मिमिक्री खरपतवार है। बताइए सभी ऑप्शन, सभी स्टूडेंट सही आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन इकोनिया क्रेसेपिस, सेकंड ऑप्शन है इकाइनोकलोवा कोलोनम, थर्ड है इकाइनोकलोवा कुर्सकली, फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। बताइए यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी स्टूडेंट सही उत्तर का चुनाव कीजिए। बिल्कुल सभी के आंसर बिल्कुल लगभग सही है। बिल्कुल यहां पर दो नंबर रामस्वरूप वर्मा चंदू, चार नंबर पिंकी, दो नंबर सुनीता नेत्र, दो नंबर सोनू माहुलिया, तीन नंबर। वेरी गुड, यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा तीन नंबर इकाइनोकलोवा कुर्सगली। यहां पर देखो आपको पता होना चाहिए इकाइनोकलोवा कुर्सगली यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा। देखें यहां पर धान का नकलची खरपतवार पूछा है, देखो इसे इकाइनोकलोवा कोलोनम को कहते हैं जंगली धान। क्या कहते हैं? जंगली धान, जंगली धान इसे कहते हैं। लेकिन यदि बनावट ये मिमिक्री वीट की बात करें तो गेहूं से ज्यादा जो सिमिलरिटी रखने वाला, जो समानता रखने वाला जो खरपतवार है वो है इकाइनोकलोवा कुर्सगली, जिसको कहते हैं बनियार्ड घास। कौन सा घास कहते हैं? बनियार्ड घास। तो इसे जंगली धान, ऊपर वाले को जंगली धान समझ के इसको ये मत सोचना है कि ये मिमिक्री वीट है, ठीक है। इकाइनोकलोवा कुर्सगली जो बनियार्ड घास है ये है चावल का मिमिक्री खरपतवार है। जो आइकोनिया जो क्रेसिपी से ये है जलकुंभी, ये क्या है? जलकुंभी। तो ये भी पता होना चाहिए जलकुंभी का वैज्ञानिक नाम क्या है? आइकोनिया क्रेसिपस, ठीक है। तो यहां पर जो मिमिक्री वीट होगा वो होगा इकाइनोकलोवा कुर्सगली। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे से बिल्कुल सभी स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, इकाइनोकलोवा कोलोनम नहीं होगा यहां पर, मिमिक्री वीट यदि पूछा जाए तो इकाइनोकलोवा कुर्सगली होगा। अगला क्वेश्चन, गेहूं की फसल में अन्य फसल का उगना उदाहरण है। द एग्जाम्पल ऑफ ग्रोविंग अदर क्रॉप इन वीट क्रॉप इज, फर्स्ट ऑप्शन एब्सोल्यूट वीट, सेकेंड है रिलेटिव वीट, थर्ड है अनवांटेड वीट और फोर्थ है नन ऑफ दीज। बताइए यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? गेहूं की फसल में अन्य फसल का पौधा, यानी कि एक फसल में दूसरी फसल का पौधा यहां पर क्या कहलाएगा? बिल्कुल यहां पर सभी स्टूडेंट्स का आंसर लगभग सही है, यहां पर कहलाएगा सापेक्ष खरपतवार। क्या कहलाएगा? रिलेटिव वीट। रिलेटिव वीट कौन से होते हैं? ऐसे खरपतवार यानी कि जो एक, यानी कि एक फसल में दूसरी फसल का यदि पौधा उगता है उसी ऋतु का, तो उसको कहते हैं रिलेटिव वीट, यानी कि सापेक्ष खरपतवार। जैसे गेहूं की फसल में सरसों का पौधा या गेहूं की फसल में चने का पौधा क्या कहलाएगा? रिलेटिव वीट। यहां पर बात करते हैं एब्सोल्यूट वीट, क्या होता है? निरपेक्ष खरपतवार, यानी कि किसी भी फसल में सीजनल वीट जो होगा, है ना, उसी ऋतु का जो खरपतवार होगा सीजनल वीट, है ना, सीजनल वीट, जो सीजनल जो वीट होगा उसे क्या कहेंगे? निरपेक्ष खरपतवार कहेंगे। अनवांटेड, अनवांटेड वीट, है ना, यानी कि ऐसे वीट, ऐसे खरपतवार, यानी कि एक किस्म में फसल बिल्कुल क्या होगी? सेम होगी, एक ही फसल की एक किस्म में दूसरी किस्म का पौधा क्या कहलाएगा? अनवांटेड कहलाएगा, जिसको रोग्यू वीट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रोग्यू वीट भी कहते हैं, या जिसे उस खरपतवार को ओप टाइप पौधा भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
ओक टाइप प्लांट भी कहते हैं, रोग्यू वीड यानी कि अवांछित पौधा। तो यहाँ पर पता होना चाहिए एब्सोल्यूट वीड सीजनल वीड होगा, रिलेटिव होगा एक फसल में दूसरी फसल का, और अनवांटेड होगा रोग्यू वीड। किसी फसल की एक किस्म में दूसरी किस्म का उगना किस प्रकार के खरपतवार का उदाहरण है? देखो पहले अपने डिस्कस कर लिया, यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल बिल्कुल सभी के आंसर में देख पा रहा हूँ, बिल्कुल लगभग सभी के आंसर सही है। यहाँ पर होगा अवांछित खरपतवार, अवांछित खरपतवार यानी कि रोग्यू वीड। रोग्यू वीड कौन सा होगा? एक किस्म में दूसरी किस्म का पौधा, जैसे गेहूं की एक किस्म में यानी कि राज 3077 में राज 3765 का यदि पौधा उग जाता है तो वो क्या कहलाएंगे? रोग्यू वीड कहलाएंगे, या क्या कहलाएंगे? अवांछित खरपतवार कहलाएंगे। वेरी गुड वेरी गुड, सभी के आंसर बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल 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 सभी के आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, दूब घास का प्रवर्धन होता है, दूब ग्रास इज प्रोपेगेटेड बाई, देखो फर्स्ट ऑप्शन यहां पर आपके सामने दिख रहा है वो है राइजोम, सेकंड ऑप्शन है लिवीज यानी पत्तियों के द्वारा, थर्ड है रनर्स यानी रनर्स के द्वारा, फोर्थ है सकर्स ऊपरी भूस्तरी और अंत भूस्तरी। रनर्स को कहते हैं ऊपरी भूस्तरी और सकर्स को क्या करते हैं? अंत भूस्तरी। बताइए यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? तीन नंबर। वेरी गुड वेरी गुड, यहां पर मैं देख पा रहा हूं तीन नंबर लगभग सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो दूब घास का मेनली जो प्रोपेगेशन होगा वो होगा रनर्स के द्वारा यानी कि ऊपरी भूस्तरी के द्वारा। इसमें होता क्या है, बिल्कुल जगह जगह तने पर जो गांठें होती हैं दूब घास इस प्रकार उगता है तो इस प्रकार फैलता है, तो जहां पर इस जो तने के यहाँ पर मिट्टी के संपर्क में आएगा वहां पर जड़े क्या हो जाती है? विकसित हो जाती है। तो यानी कि मिट्टी पर ये रेंकर चलती है, मिट्टी पर क्या चलती है? रेंकर चलती है। तो इसलिए जो इसका प्रवर्धन होता है मेनली किसके द्वारा होता है? रनर्स के द्वारा। यदि रनर्स ऑप्शन में नहीं हो तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सकर्स के द्वारा भी इसमें प्रवर्धन होता है। किसमें? दूब घास में सकर्स के द्वारा प्रवर्धन भी होता है। नेक्स्ट बात करें यहां पर जो राइजोम है, राइजोम किसके इसमें जो राइजोम में होता है, एक तो बात करें यहां पर बरू व कांस, जो बरू और कांस खरपतवार हैं इन दोनों के अंदर जो परिवर्धन होता है वो किसके द्वारा होता है? राइजोम के द्वारा होता है। बरू को कहते हैं जॉनसन घास, कौन सा घास कहते हैं? जॉनसन घास, जॉनसन घास, ठीक है। जॉनसन घास और जो कांस होता है, कांस होता है उसके अंदर जो प्रवर्धन होता है वो किसके द्वारा होता है? राइजोम के द्वारा होता है। तो यहां पर पता होना चाहिए जो लीव्स पत्तियों में जो पत्तियों के द्वारा जो प्रवर्धन होता है वो होता है पत्थर चट्टा में। किसमें होता है? पत्थर चट्टा के अंदर। पत्थर चट्टा में जो प्रवर्धन होता है वो किसके द्वारा होता है? पत्तियों के द्वारा होता है। और सकर्स के द्वारा किसमें होगा? सकर्स के द्वारा होगा दूब घास में ही होगा, लेकिन सबसे इंपोर्टेंट कौन सा होगा? रनर्स यहाँ पर आंसर माना जाएगा, ठीक है। सकर्स के द्वारा मोथा में भी होता है, यदि कंद ऑप्शन में नहीं हो, कंद ऑप्शन में नहीं हो तो सकर्स किसमें आ सकता है? मोथा के अंदर भी प्रवर्धन सकर्स के द्वारा हो सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अवर्णनात्मक शाकनाशी है, नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है ना, तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन है पेराक्वाट, सेकंड है डाइक्वाट, थर्ड है ग्लाइफोसेट, फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। बताइए यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल यहां पर सभी स्टूडेंट्स के आंसर सही हैं। यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। यहां पर सभी जो आप जो वीडिसाइड या जो सभी हर्बिसाइड है वो किस प्रकार के हैं? नॉन सेलेक्टिव प्रकार के हैं, यानी कि इनको वर्गीकृत नहीं किया, अवर्णनात्मक है, ये किसी फसल विशेष के लिए नहीं है, ये चारागाह के अंदर खरपतवार नियंत्रण के लिए संपूर्ण वनस्पति को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, है ना। कौन कौन सा है? पेराक्वाट है, डाइक्वाट और ग्लाइफोसेट। कौन सा है? ग्लाइफोसेट। यहाँ पर ध्यान रखना ये जो ग्लाइफोसेट है ये नॉन सेलेक्टिव होते हुए किस प्रकार का है? ये ट्रांसलोकेटेड है। कैसा है? ट्रांसलोकेटेड, ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड। यहाँ पर पता होना चाहिए ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड जो ग्लाइफोसेट है, इसलिए जो ग्लाइफोसेट का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है, अवर्णनात्मक जो शाकनाशी होते हैं उसमें से सर्वाधिक प्रयोग ग्लाइफोसेट का होता है, यानी कि अधिक गहराई पर जिन खरपतवारों की जड़ें होती हैं और जिनका आसानी से नियंत्रण नहीं हो पाता है वहां पर कौन सा शाकनाशी काम में लेते हैं? ग्लाइफोसेट काम में लेते हैं, ठीक है। पेराक्वाट का प्रयोग कहाँ करते हैं? पेराक्वाट का प्रयोग करते हैं रिंजके में, रिंजके में करते हैं। किसके नियंत्रण के लिए? रिंजके में नियंत्रण के लिए करते हैं, अमरबेल के नियंत्रण के लिए, अमरबेल है ना, कस्कुटा रिफ्लेक्सा के नियंत्रण के लिए रिंजके में पेराक्वाट का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सर्वांगी शाकनाशी है, सिस्टमिक हर्बिसाइड फ्रॉम द फॉलोइंग। बताइए यहां पर सिस्टमिक की जो हर्बिसाइड है वो कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन 2,4-D, थर्ड है सीमाजीन,
सेकंड सीमाजिन, थर्ड है आइसोप्रोटीरोन, फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। बताइए यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा। सुमन जाट, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, बिल्कुल सभी के आंसर बिल्कुल सही है यहां पर, बिल्कुल वेरी गुड वेरी गुड। सभी को यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, यहां पर डी बिल्कुल सही है। रवीना वर्मा वेरी गुड, महिमा चौधरी वेरी गुड, वेरी गुड वेरी गुड। सभी को यहां पर मैं देख पा रहा हूं सभी के आंसर बिल्कुल सही है। तो यहां पर जो सिस्टमिक हर्बिसाइड, देखो यहां पर जो सिस्टमिक हर्बिसाइड होता है, सिस्टमिक हर्बिसाइड किसे कहते हैं, जो सिस्टमिक यानी कि संपूर्ण सिस्टम में फैलकर खरपतवार को क्या कर दे, नष्ट कर दे। यदि इसका प्रयोग किसी पौधे के एक भाग पर किया जाए तो क्या हो जाता है, संपूर्ण सिस्टम में फैल जाता है, और संपूर्ण सिस्टम में फैलकर क्या कर देता है, पौधों को नष्ट कर देता है। यानी कि अपन इसको कह सकते हैं ट्रांसलोकेटेड, ट्रांसलोकेटेड, ट्रांसलोकेटेड इसको कहते हैं। यानी कि एक भाग पर यदि प्रयोग किया जाए तो वो पौधे के संपूर्ण भाग में ट्रांसफर हो जाए, उसी को क्या कहते हैं, सिस्टमिक कहते हैं। तो यहाँ पर 2,4-D सीमाजिन और आइसोप्रोटीरोन तीनों कैसे हैं, सिस्टमिक। यानी कि अपन कह सकते हैं कि जो भी सेलेक्टिव हर्बिसाइड होते हैं, कैसे हैं, सेलेक्टिव जो हर्बिसाइड होते हैं, सेलेक्टिव हर्बिसाइड सभी किस प्रकार के होते हैं, ये होते हैं सिस्टमिक और सिस्टमिक या ट्रांसलोकेटेड होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, सिस्टमिक या ट्रांसलोकेटेड होते हैं, जो सिस्टम में जो एक पौधे के किसी एक भाग पर उनको प्रयोग करने से संपूर्ण सिस्टम में फैल जाते हैं और संपूर्ण पौधे को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। किसको छोड़कर, यहाँ पर देखो बात करें सिस्टम सेलेक्टिव में प्रोपेनिल, किसकी बात करें, प्रोपेनिल जो खरपतवारनाशी या शाकनाशी होता है, ये क्या होता है, किस नेचर का होता है, ये होता है कॉन्टेक्ट नेचर का, कॉन्टेक्ट यानी कि जो पौधे के संपर्क में जो भाग आएगा केवल उसी पर अपना प्रभाव उत्पन्न करेगा, उसे कहते हैं कॉन्टेक्ट। तो यहां पर पता होना चाहिए सेलेक्टिव सभी किस प्रकार के होते हैं, सिस्टमिक या फिर कैसे होते हैं, है ना, सभी किस प्रकार के होते हैं। यहां पर देखो ये सभी नेचर में सिस्टमिक और ट्रांसलोकेटेड होते हैं, बट यहां पर जो प्रोपेनिल होता है वो होता है कॉन्टेक्ट प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक जैविक शत्रु किस गण से है, विच ग्रुप इज द मोस्ट बायोलॉजिकल एनिमीज, है ना। फर्स्ट ऑप्शन है लेपिडोप्टेरा, सेकेंड है कोलियोप्टेरा, थर्ड है हाइमेनोप्टेरा, फोर्थ है हेमिप्टेरा, है ना। जो जो नेचुरल एनिमीज जो बात करते हैं, जो बायोलॉजिकल एनिमीज कहां पर काम आते हैं, खरपतवारों के बायोलॉजिकल कंट्रोल में, या फिर बात करें अपन कवकों के या जीवाणुओं के बायोलॉजिकल कंट्रोल में, बात करें यहां पर कीटों के जैविक नियंत्रण में भी ये काम आते हैं। तो बताइए जो जैविक शत्रु होते हैं वो सर्वाधिक कौन से गण से बिलोंग करते हैं। सुभाष शिवराण एक नंबर, बताइए फटाफट करेक्ट आंसर क्या होगा। सुनीता नेतड़ एक नंबर, तारु चौधरी एक नंबर, महेंद्र चौधरी दो नंबर, पूजा एक नंबर। सही आंसर पर नहीं पहुंच पा रहे स्टूडेंट, लेपिडोप्टेरा। बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप सही जगह नहीं पहुंच पा रहे हो। यदि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए तो लगभग सभी स्टूडेंट्स का गलत होना है। अनीता चौधरी एक नंबर, ऐसा नहीं है। यहां पर बात करें जो बायोलॉजिकल जो एनिमीज होते हैं वो मोस्टली किस कौन से गण से होते हैं, हाइमेनोप्टेरा से होते हैं। किससे होते हैं, हाइमेनोप्टेरा। यहां पर जो हाइमेनोप्टेरा की जगह कर लेना हाइमेनोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा जो गण होता है वहां से सबसे ज्यादा बायोलॉजिकल एनिमीज यानी कि बायोलॉजिकल कंट्रोल में जो भी इंसेक्ट यूज किए जाते हैं, जिन भी इंसेक्ट का प्रयोग किया जाता है, वो ज्यादातर कौन से गण से बिलोंग करते हैं, हाइमेनोप्टेरा से करते हैं। कौन से करते हैं, हाइमेनोप्टेरा से। यहां पर बात करें हेमिप्टेरा जो है, यहां पर जितने भी रस चूसक कीट हैं जैसे एफिड जेसिड है, यहां पर मॉस्किटोज बात करें या फिर बात करें सफेद मक्खी जैसे व्हाइट फ्लाई कहते हैं, वो सभी किसे होते हैं, हेमिप्टेरा से। यानी कि बात करते हैं रस चूसक जो कीट होते हैं, रस चूसक कीट जो किसका काम करते हैं, वाहक का काम करते हैं, किसके लिए, किसके लिए करते हैं, विषाणु जनित रोगों के लिए वाहक का काम करते हैं। वो कौन से गण से बिलोंग करते हैं, हेमिप्टेरा गण से बिलोंग करते हैं। कोलियोप्टेरा में क्या आते हैं, बीटल्स आते हैं। बीटल्स कौन से में आते हैं, कोलियोप्टेरा में। कोई भी बीटल होगा किसमें आएगा, कोलियोप्टेरा में आएगा, या कोई भी लट होगी वो कोलियोप्टेरा में। बात करें यहाँ पर जो लेपिडोप्टेरा है, यहाँ पर कोई भी जो ऐसे कीट जो तना छेदक हो गया है ना, फली छेदक हो गया, जिसमें कौन सी सूंडी अवस्था हो, है ना, कैटरपिलर जिसमें हो, कैटरपिलर जहां पर हो वो कौन से में आएगा, लेपिडोप्टेरा में आएगा। तो यहाँ पर कंफ्यूजन होना। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक प्रयोग में लिए जाने वाले पेड़कनाशी का सही क्रम है, द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ मोस्ट कॉमनली यूज्ड पेस्टिसाइड इन इंडिया इज, फर्स्ट ऑप्शन हर्बिसाइड, फंजिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड, सेकंड है फंजिसाइड हर्बिसाइड देन इंसेक्टिसाइड, थर्ड है इंसेक्टिसाइड फंजिसाइड देन हर्बिसाइड,
फोर्थ है हर्बिसाइड इंसेक्टिसाइड देन फंजिसाइड। तो बताइए यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा। नीतू कुमावत, पूजा जाकर 3 नंबर, सुनीता नेतड़ 4 नंबर, पिंकी वाना 3 नंबर, वेरी गुड वेरी गुड, पूजा चौधरी 3 नंबर, वेरी गुड बिल्कुल। यहां पर मैं देख पा रहा हूं अनिता चौधरी वेरी गुड, बाबूलाल 4 नंबर, सरिता चौधरी वेरी गुड, मंगलचंद वेरी गुड। यहां पर देख पा रहा हूं सभी के आंसर लगभग सही है कुछ स्टूडेंट्स को छोड़कर। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3 नंबर। यहां पर सबसे ज्यादा इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, फिर करते हैं फंजीसाइड का, और सबसे कम करते हैं हर्बिसाइड का प्रयोग। तो यहां पर ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे ज्यादा भारत में यदि प्रयोग करते हैं तो कीटनाशी का करते हैं, उसके बाद में कवकनाशी का करते हैं, और उसके बाद में किसका करते हैं, शाकनाशी या खरपतवारनाशी का करते हैं, ठीक है। बात करें यहां पर वर्ल्ड लेवल की, तो विश्व में सबसे ज्यादा किसका प्रयोग करते हैं, तो यहां पर विश्व में सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं हर्बिसाइड का, उसके बाद में इंसेक्टिसाइड का, देन फंजीसाइड। यहां पर देखो वर्ल्ड की यदि बात करें, विश्व लेवल पर बात करें, तो विश्व में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है हर्बिसाइड का, और उसके बाद में इंसेक्टिसाइड का, और उसके बाद में फंजीसाइड का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर भारत में पूछा गया है, कंफ्यूज नहीं होना, इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड और हर्बिसाइड। अगला क्वेश्चन, गाजर घास व सत्यानाशी के प्रति पौधा बीज उत्पादन क्षमता होती है, प्लांट सीड प्रोडक्शन कैपेसिटी अगेंस्ट कैरेट ग्रास एंड एनिहिलेट्स, ठीक है एनिहिलेटर। बताइए यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन 5000, सेकंड ऑप्शन 10000, थर्ड ऑप्शन है 16000, फोर्थ है 72000। बिल्कुल आपके सही उत्तर का इंतजार है, बताइए फटाफट सही आंसर क्या होगा। अनिता चौधरी 1 नंबर, जेपी जी यादव 1, पिंकी बाना 4, पूजा चौधरी 1, सुभाष शिवराण 4, सुनीता बदाड़ा 1, वेरी गुड वेरी गुड। जिसका भी 1 नंबर आंसर है उसका सही है, वेरी गुड। यहां पर जो गाजर घास और सत्यानाशी में प्रति प्लांट जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता होती है वो 5000 होती है, यानी कि 5000 बीज एक पौधे से उत्पादित होते हैं। एक पौधे से कितने बीज उत्पादित होते हैं, 5000 बीज उत्पादित होते हैं। बात करें यहां पर फेलेरिस माइनर जो गेहूसा होता है, गेहूसा से कितना होता है, गेहूसा से होता है एक प्लांट से 10000 बीज का उत्पादन होता है। गेहूसा के एक पौधे से कितने बीजों का उत्पादन होता है, 10000 बीजों का उत्पादन होता है। बात करें यहां पर अमरबेल, जिसको क्या कहते हैं, कस्कुटा कहते हैं, और अमरबेल के एक पौधे से, अमरबेल के एक पौधे से 16000 बीजों का उत्पादन होता है। कितने बीजों का उत्पादन होता है, 16000 बीजों का उत्पादन करते होता है। बात करें 72000 ऑप्शन नंबर 4, जो बथुआ होता है, बथुआ के एक पौधे से चिनोपोडियम जो एल्बम होता है, बथुआ के एक पौधे से 72000 बीज उत्पादित होते हैं। तो यहां पर बिल्कुल सही आपको याद रखना है। बात करें यहां पर अदर पौधे की, सबसे ज्यादा जो बीज होते हैं वो प्राप्त होते हैं जंगली चौलाई से, किससे होते हैं, जंगली चौलाई, जंगली चौलाई जिसे एमरेंथस स्पीसीज कहते हैं, जंगली चौलाई से जो बीज प्राप्त होते हैं वो होते हैं 1,94,000 बीज। कितने बीज प्राप्त होते हैं, 1,94,000 बीज प्राप्त होते हैं। बात करें यहां पर मकोई जो खरपतवार है, मकोई से जो बीज प्राप्त होते हैं वो होते हैं 1,75,000 बीज। कितने बीज प्राप्त होते हैं, 1,75,000 बीज प्रति पौधे उत्पादित होते हैं मकोई से, ठीक है। सबसे ज्यादा किससे होते हैं, जंगली चौलाई से, कितने बीज, 1,94,000 बीज है ना। बात करें यहां पर अमरबेल के बाद में यदि बात करें लोरेंथस के एक पौधे से कितने, 70,000 बीज यहां पर उत्पादित किए जाते हैं। लोरेंथस के एक पौधे से कितने बीज उत्पादित किए जाते हैं, 70,000 बीज उत्पादित यहां पर किए जाते हैं। स्ट्राइगा, बात करें स्ट्राइगा, स्ट्राइगा के एक पौधे से यहां पर 50,000 बीज उत्पादित किए जाते हैं। कितने हजार बीज उत्पादित किए जाते हैं, 50,000 बीज। तो यहां पर ये आपको पता होना चाहिए, जो 5,000 बीज प्रति प्लांट उत्पादित किए जाते हैं वो किससे किए जाते हैं, गाजर घास और सत्यानाशी से। 10,000 बीज गेहूसा से उत्पादित किए जाते हैं, 16,000 बीज अमरबेल से, 72,000 बीज बथुआ से किए जाते हैं। बात करें जंगली चौलाई से 1,94,000 बीज है ना, या 1,96,000 बीज, मकोई से 1,75,000, लोरेंथस से 70,000, स्ट्राइगा से 50,000। मक्का के मर्दुरोमिल आसिता रोग का कवक किस खरपतवार पर आश्रित रहता है, ऑन विच वीट फंगस ऑफ डाउनी मिल्डी ऑफ मेज डिपेंड्स ऑन। फर्स्ट ऑप्शन है
कांस सेकंड है, वाइल्ड राइस थर्ड है, लेंटाना कैमरा और फोर्थ है बथुआ। बताइए यहां पर सही आंसर क्या होगा। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। पवन जाकड़ एक नंबर, माया सेन एक नंबर, वेरी गुड वेरी गुड, सुनीता नेत्र एक नंबर, पिंकी बाना एक नंबर, पंकज वर्मा एक है ना, महिमा चौधरी एक नंबर, पिंकी बाना वेरी गुड वेरी गुड। यहां पर बिल्कुल बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है वो है कांस। कौन सा है? कांस जो आंसर है बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मक्का के मर्दों में लासिता जो रोग उत्पन्न करता है उसका जो रोग कारक किस पर शरण लेता है? वो कांस पर शरण लेता है। किस पर शरण लेता है? कांस खरपतवार पर शरण लेता है। तो यहां पर जो कांस, इसके बाद में बात करें जो जंगली धान है, जंगली धान है उस पर जो धान का जो तना छेदक है, धान का तना छेदक कीट, धान का तना छेदक कीट, धान का तना छेदक कीट किस पर शरण लेता है? जंगली धान पर शरण लेता है ना। लेंटाना कैमरा की बात करें तो लेंटाना कैमरा यहां पर जो कपास का अमेरिकन सुंडी कीट, अमेरिकन सुंडी कीट, कपास का अमेरिकन जो सुंडी कीट होता है वो किस पर शरण लेता है? लेंटाना कैमरा पर शरण लेता है। किस पर शरण लेता है? लेंटाना कैमरा पर शरण लेता है। बात करें बथुआ की तो जो मक्का के अंदर जो तना छेदक होता है, मक्का का जो तना छेदक जो कीट होता है वो किस पर शरण लेता है? वो बथुआ पर शरण लेता है। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए जो कांस पर जो शरण लेता है मक्का का मर्दों में लासित है, डाउनबिल्डी जो रोग कारक है वो कांस पर शरण लेता है, जंगली धान पर धान का तना छेदक कीट शरण लेता है, और लेंटाना कैमरा पर कपास का अमेरिकन सुंडी कीट शरण लेता है, और बथुआ पर कौन सा कीट लेता है? मक्का का तना छेदक कीट शरण लेता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन है, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन इज द फॉलोइंग है ना, कौन सा है? फ्लू क्लोरेलिन, दूसरा है ट्राई फ्लोरेलिन, थर्ड है बोध एक व दो दोनों है ना, और फोर्थ है आइसोप्रोटीरोन। बताइए यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी गुड, यहां पर जो सही आंसर होगा बिल्कुल सभी का सही है, यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा एक व दो दोनों। यहां पर फ्लू क्लोरेलिन और जो ट्राई फ्लोरेलिन है ये दोनों कैसे हैं? प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, यानी कि इनका प्रयोग कब करते हैं? बुआई से पहले इन्हें क्या करते हैं? मर्दा में मिलाते हैं। फ्लू क्लोरेलिन और ट्राई फ्लोरेलिन है, इन दोनों खरपतवारनाशियों का प्रयोग या शाकनाशियों का प्रयोग बुआई से पहले मर्दा के अंदर करते हैं। प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन बुआई से पहले प्रयोग करना, तो यहां पर जो आएगा वो आएगा एक व दो दोनों, तीन नंबर यहां पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक कीटनाशियों का प्रयोग कौन से राज्य में होता है? विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ पेस्टिसाइड इन इंडिया। सर्वाधिक बताइए कीटनाशी का प्रयोग कौन से राज्य में होता है? वेरी गुड वेरी गुड, सभी के आंसर बिल्कुल सही है। यहां पर जो सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है वो आंध्र प्रदेश में किया जाता है। कहां पर प्रयोग किया जाता है? आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक की शाकनाशी या फिर जो पीड़कनाशी में सभी आ जाएंगे, इसमें कवकनाशी भी आ जाएगा, कीटनाशी भी आ जाएगा और खरपतवारनाशी भी आ जाएंगे सभी, यानी कि जितने भी केमिकल्स जो हानिकारक जीवों को मारने के काम में ले जाते हैं वो सभी क्या कहलाएंगे? पीड़कनाशी कहलाएंगे। और सर्वाधिक पीड़कनाशियों का प्रयोग कौन से राज्य में किया जाता है? आंध्र प्रदेश में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से चना की फसल का मुख्य खरपतवार है? चने की फसल का मुख्य खरपतवार है, यहां पर देखो चने की फसल का जो मुख्य खरपतवार है वह है यहां पर प्याजी। कौन सा खरपतवार है? प्याजी खरपतवार है। प्याजी खरपतवार क्या है? चने का मुख्य खरपतवार है। क्या नाम है? एस्पोडिलियस ट्यूनिफोलियस है ना, या ट्यूनिफोलियस एस्पोडिलियस ट्यूनिफोलियस किसका नाम है? ये प्याजी का नाम है। ये दलहनी फसलों में मुख्यतः पाया जाता है। कौन सी फसलों में पाया जाता है? दलहनी फसलों में। कर्सन नील क्या है? एनागेलिस आर्वेंसिस है ना, एनागेलिस आर्वेंसिस कर्सन नील का नाम है। सत्यानाशी का नाम है आर्जिमोना मैक्सिकाना और इसका हजार दाना का नाम है फाइलेंथस नीरूरी।
फाइलेंथस नीडोरी जो है वो दलहनी और तिलहनी फसलों में भी उगता है, लेकिन चने का यहाँ पर जो मुख्य खरपतवार यदि पूछा है तो यहाँ पर आएगा एस्पोडिलियस यूनिफोलियस। अगला क्वेश्चन, निम्न में से तंबाकू व सरसों का मुख्य खरपतवार है, टोबेको एंड मस्टर्ड आर द मेन वीड्स फ्रॉम द फॉलोइंग, बताएं यहाँ पर अमरबेल या डोडर, सेकंड है लोरेंथस, थर्ड है स्ट्राइगा और फोर्थ है ओरोबेंकी, बताएं यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तंबाकू व सरसों का मुख्य खरपतवार है, यहां पर चार नंबर बिल्कुल वेरी गुड, वेरी गुड अनीता चौधरी, वेरी गुड पवन जाकर, सुभाष शिवराण, वेरी गुड, यहां पर बिल्कुल सही है चार नंबर यहां पर बिल्कुल सही है। किसका पूछा है, तंबाकू व सरसों का पूछा है, तो यहां पर मैंने ट्रिक बताई थी CLOS क्लोज, यानी है ना जो कसकूटा है, कसकूटा एल यानी लोरेंथस और ओ है यहां पर ओरोबेंकी और एस है यहां पर स्ट्राइगा, तो यहां पर पता होना चाहिए जो कसकूटा है उसको क्या कहते हैं, डोडर भी कहते हैं, डोडर बीट भी कहते हैं कसकूटा को, और इसका नाम है कसकूटा रिफ्लेक्सा और हिंदी में इसको कहते हैं अमरबेल, ठीक है। लोरेंथस जो है, लोरेंथस ही जो यहां पर जो पूछा है, ये फल वृक्षों के अंदर उगता है, खरपतवार कहां पर उगता है, फल वृक्षों पर जो परजीवी होता है वो लोरेंथस होता है, ओरोबेंकी होता है वो कुर्सुपेरी और सोलेनेसी कुल के पौधों पर उगता है, कुर्सुपेरी और सोलेनेसी कुल के पौधों पर उगता है। बात करें यहाँ पर स्ट्राइगा जो है वो जवार बाजरा मक्का के अंदर उगता है, तो यहाँ पर जो सी और एल है ये है तना परजीवी, कौन से हैं, तना परजीवी खरपतवार, और जो ओ और एस है ये दोनों है जड़ परजीवी खरपतवार, जड़ परजीवी, ठीक है। अब इसको सिक्वेंस से बिल्कुल याद रखना है, तना परजीवी में सी है पूर्ण तना परजीवी, एल है अर्ध तना परजीवी, जड़ परजीवी में ओ है पूर्ण जड़ परजीवी, एस है अर्ध जड़ परजीवी। तो बताइए यहां पर तंबाकू और सरसों का मुख्य खरपतवार पूछा है तो कौन सा आएगा, यहां पर आएगा ओरोबेंकी, कौन सा आएगा ओरोबेंकी, जिसको कहते हैं आज्ञा, जिसको क्या कहते हैं आज्ञा वीट भी कहते हैं, या जिसको कहते हैं बुरुम रेप, क्या कहते हैं बुरुम रेप, है ना, बुरुम रेप खरपतवार या आज्ञा खरपतवार या ओरोबेंकी जो तंबाकू और सरसों का मुख्य परजीवी खरपतवार है। अगला क्वेश्चन, मोथा का प्रवर्धन होता है, मोथा इज प्रोपेगेटेड बाई, फर्स्ट ऑप्शन रूट, सेकंड स्टेम, थर्ड ट्यूबर और सकर्स, बताएं यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी गुड, यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ट्यूबर, यानी कि मोथा के अंदर प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, कंद के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है कंद के द्वारा, लेकिन यहां पर ट्यूबर यदि ऑप्शन में नहीं हो तो सेकंड नंबर क्या आएगा, सेकंड नंबर पर आएगा सकर्स, सेकंड किस क्या कौन सा आएगा, मोथा के अंदर यदि कंद ऑप्शन में नहीं हो तो सकर्स आएगा सेकंड स्थान पर, ठीक है। तो यहां पर बिल्कुल आपको ध्यान होना चाहिए जो मोथा के अंदर जो प्रवर्धन होता है वो किसे होता है, ट्यूबर के द्वारा होता है, रूट के द्वारा किसमें होता है, रूट के द्वारा होता है हिरणखुरी में, किसमें होता है हिरणखुरी में, रूट के द्वारा भी होता है और सकर्स के द्वारा भी होता है, रूट और सकर्स, है ना, अंतःभूस्तरीय, सकर्स को क्या कहते हैं अंतःभूस्तरीय, या फिर जड़ों के द्वारा भी होता है। स्टेम की यदि बात करें तो स्टेम में होता है, स्टेम से अमरबेल में होता है, किसमें होता है अमरबेल, जिसे डोडर वीट भी कहते हैं कसकूटा रिफ्लेक्सा, उससे उसका जो प्रवर्धन होता है वो किससे होता है, तने से होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से वर्णात्मक शाकनाशी है, सेलेक्टिव हर्बिसाइड फ्रॉम द फॉलोइंग, कौन सा वर्णात्मक शाकनाशी है, सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, नंबर ऑफ फर्स्ट ऑप्शन सीमाजिन, सेकंड है पेंडेमेथालिन, थर्ड है आइसोप्रोटीरोन, फोर्थ ऑल ऑफ दीज, बताएं यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी गुड, यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज, यहां पर जो सभी का जो आंसर बिल्कुल सही है मैं देख पा रहा हूं, यहाँ पर उपयुक्त सभी कैसे हैं, सेलेक्टिव है, यानी कि इनका प्रयोग किसी फसल विशेष में करते हैं। बात करें सीमाजिन का प्रयोग किसमें करते हैं, मक्का के अंदर करते हैं, मेज के अंदर। बात करें पेंडेमेथालिन, यहाँ पर ऑयल सीड एंड पल्सेज में करते हैं, ऑयल सीड एंड पल्सेज। बात करें आइसोप्रोटोन का प्रयोग किसमें करते हैं, गेहूं के अंदर करते हैं, है ना, वीट के अंदर। कौन से खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए, सकरी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए आइसोप्रोटोन का प्रयोग किसमें करते हैं, गेहूं की फसल में करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से पोस्ट इमर्जेंस है,
पीओई, पोस्ट इमरजेंस को किससे लिखते हैं? पीओई से लिखते हैं, पोस्ट इमरजेंस यानी कि अंकुरण के बाद में, अंकुरण के बाद में। तो यहां पर देखो, यहां पर सबसे पहला जो है प्रोपेनिल, सेकंड है आइसोप्रोटिरोन, थर्ड है पेराक्वाट या डाइक्वाट, फोर्थ उपयुक्त सभी। तो बताइए यहां पर पोस्ट इमरजेंस कौन सा होगा? वेरी गुड, मैं सभी का आंसर देख पा रहा हूं। यहां पर जो पोस्ट इमरजेंस होगा वो सभी उपयुक्त सभी कैसे हैं? पोस्ट इमरजेंस है यानी कि इन सभी खरपतवारनाशियों का प्रयोग अंकुरण के बाद में किया जाता है। प्रोपेनिल का प्रयोग कौन सी फसल में करते हैं? धान की फसल में करते हैं, और कब करते हैं? 10 से 15 दिन बाद, बुआई के 10 से 15 दिन बाद, ठीक है। आइसोप्रोटीनों का प्रयोग कहां करते हैं? गेहूं की फसल में करते हैं, वीट फसल में, वीट क्रॉप में करते हैं, और कब करते हैं? वीट क्रॉप के अंदर, ये 30 से 35 दिन बाद में। तो यहां पर जो आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी, यानी कि पोस्ट इमरजेंस। ये सभी कैसे हैं, किस प्रकार के हैं? पोस्ट इमरजेंस है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से माइक्रो हर्बिसाइड है, द फॉलोइंग इज द माइक्रो हर्बिसाइड। माइक्रो हर्बिसाइड यानी कि कौन सा कवक शाकनाशी है? फर्स्ट है कोलेगो, सेकंड डिवाइन, थर्ड है बायोपोलारिस, और फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो बताइए यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, यहां पर बिल्कुल उपयुक्त सभी, सभी का आंसर लगभग सही है। यहां पर जो सभी हैं वो कैसे हैं? कवक शाकनाशी हैं। सभी कवक के घोल, स्पोर्स या बीजाणुओं के घोल से तैयार किए गए क्या हैं? शाकनाशी हर्बिसाइड है। कोलेगो किससे किया प्राप्त किया? कोलेटोट्राइकम स्पीसीज से, डेवाइन फाइटोप्टोरा पोमिवोरा से प्राप्त किया, और बायोपोलारिस किससे प्राप्त किया गया? बायोपोलारिस सोर्गिकोला नामक कवक के बीजाणुओं से प्राप्त किया गया। तो यहां पर पता होना चाहिए कोलेटोट्राइकम स्पीसीज से प्राप्त हुआ, यहां पर पता फाइटोप्टोरा पोमिवोरा से प्राप्त हुआ, और बायोपोलारिस सोर्गिकोला से प्राप्त हुआ। तो यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से पूर्ण तना परजीवी खरपतवार है, द कंप्लीट स्टेम पैरासाइट वीड इज। बिल्कुल अभी अभी हमने ट्रिक पढ़ी थी, तो बताइए यहां पर पूर्ण तना परजीवी खरपतवार कौन सा होगा? पूर्ण तना परजीवी, वेरी गुड। यहां पर जो पूर्ण तना परजीवी, मैं सभी का आंसर बिल्कुल देख पा रहा हूं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो। यहां पर जो अमरबेल है, कस्कुटा है, ये पूर्ण तना परजीवी खरपतवार है ना। कस्कुटा कैसा है? कस्कुटा रिफ्लेक्सा जो है पूर्ण तना परजीवी खरपतवार है। अमरबेल या फिर डोडर, अमरबेल या डोडर कौन सा खरपतवार है? पूर्ण तना परजीवी। यहां पर बात करें तो लोरेंथस है, वो कैसा है? अर्ध तना परजीवी है ना, सेमी स्टेम, सेमी स्टेम। स्ट्राइगा के ओरोबैंकी कैसा है? कंप्लीट रूट पैरासाइट, कंप्लीट रूट पैरासाइट। बात करें स्ट्राइगा, ये है सेमी रूट, कैसा है? सेमी रूट पैरासाइट। तो यहां पर ये पता होना चाहिए ये कौन से खरपतवार है? परजीवी खरपतवार है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से आम व नींबू का मुख्य खरपतवार है, द मेन वीड ऑफ मैंगो एंड लेमन, है ना। फल वृक्षों की यहां पर बात हो रही है, तो अपन ने चर्चा कर ली थी कि फल वृक्षों में कौन सा परजीवी खरपतवार मुख्य रूप से उगता है, कौन सा उगता है? लोरेंथस। कौन सा उगता है? लोरेंथस खरपतवार। वेरी गुड, सभी का आंसर बिल्कुल यहां पर सही है। जो लोरेंथस है वो प्रमुख रूप से कौन से कहां पर उगता है? फल वृक्षों में उगता है लोरेंथस। कैसा है? अर्ध तना परजीवी, सेमी स्टेम पैरासाइट, सेमी स्टेम पैरासाइट है ना, सेमी स्टेम। अगला क्वेश्चन, जलकुंभी का जैविक शत्रु है, द बायोलॉजिकल एनिमीज ऑफ वाटर हाइसिंथ इज। फर्स्ट ऑप्शन क्रोसिडोसोमा लेंटाना, थर्ड है डेक्टाइलोपस ओपनसी, थर्ड है नियोक्टिना ब्रूची, और फोर्थ है जाइगोग्रामा बाइकलराटा। बताइए यहां पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सभी स्टूडेंट सही उत्तर का चुनाव कीजिए। पवन जाकर 3 नंबर, वेरी गुड। पिंकी बाना 3 नंबर, वेरी गुड। अनिता चौधरी, तारू चौधरी डी, बड़ा पढ़ाई नहीं कर रहे हो। सुनीता नेतर 3 नंबर, सूरज जाट 3 नंबर। यहां पर बिल्कुल लगभग के सभी आंसर सही है। यहां पर जो जलकुंभी का जो जैविक नियंत्रण का जो शत्रु है वो है नियोक्टिना ब्रूची। कौन सा है? नियोक्टिना ब्रूची, जो जो इंसेक्ट है जिसे आयातित किया गया था किसके लिए? जलकुंभी के जैविक नियंत्रण के लिए। किसके लिए आयातित किया गया था? जलकुंभी के जैविक नियंत्रण। प्रोसिडोसोमा लेंटाना किसका नियंत्रण किया? लेंटाना कैमरा का। किसका किया? लेंटाना कैमरा, ठीक है। लेंटाना कैमरा के जैविक नियंत्रण के लिए कौन से जैविक शत्रु का प्रयोग किया जाता है? प्रोसिडोसोमा लेंटाना का, है ना। सबसे पहले सफलतापूर्वक इसने 1921 में लेंटाना कैमरा खरपतवार को नियंत्रित किया, है ना।
बात करते हैं यहां पर डेक्टाइलोपियस ओपनसी, नागफनी, तो नागफनी जो खरपतवार था उसके जैविक नियंत्रण के लिए क्या काम में लिया गया, डेक्टाइलोपस ओपनसी, ठीक है। जाइगोग्रामा बाइकलराटा, गाजर घास, गाजर घास के जैविक नियंत्रण के लिए क्या काम में लिया गया, जाइगोग्रामा बाइकलराटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गेहूं जो वह जई पर तने की रस्ट या रोली नामक रोग के रोगाणु किस खरपतवार पर शरण लेता है, द पैथोजन कॉल्ड स्टेम रस्ट काज, है ना, काज स्टेम रस्ट ऑन वीट बार्ले एंड ओट टेक सेल्टर ऑन विच वीट, बताइए यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कांस, ऑप्शन नंबर सेकेंड अंजन घास, ऑप्शन नंबर थर्ड हिरणखोरी, ऑप्शन फोर्थ जंगली जई वाइल्ड ओट। वेरी गुड प्रेम कुमारी, चार नंबर, वेरी गुड पवन जाकर, चार, वेरी गुड वेरी गुड माया सेन, वेरी गुड सुनीता बजाड़ा, वेरी गुड बेटा, सभी का आंसर यहां पर सही है। किस पर शरण लेता है, जंगली जई पर शरण लेता है, वाइल्ड ओट पर शरण लेता है, कौन सा तने का रोली कौन सा होगा भाई, ब्लैक रस्ट, है ना, कौन सा, ब्लैक रस्ट जिसे काली रोली रोग भी कहते हैं, है ना, ब्लैक रस्ट किस पर शरण लेगा, ये जंगली जई पर शरण लेगा, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर कांस, कांस अभी अभी अपने पहले क्वेश्चन में चर्चा की थी, जो डाउनी मिल्डियो जो मेज होता है उसको जो कोज करता है वो, उसका जो पैथोजन होता है वो किस पर शरण लेता है, कांस पर शरण लेता है। बात करें यहाँ पर अंजन घास, तो बाजरे के अंदर जो अर्गट रोग होता है, कौन सा रोग, अर्गट रोग, जिसका रोग कारक है क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस, वो किस पर शरण लेता है, अंजन घास पर शरण लेता है। बात करें हिरणखुरी, है ना, हिरणखुरी, हिरणखुरी है कि कद्दूवर्गीय सब्जियों के अंदर जो भी एफिड मोइला, एफिड मोइला या जेसिड, ठीक है, ये जो भी हरा तेला वगैरह जो भी लगता है, जो भी सकिंग पेस्ट यानी कि जो भी रस चूसने वाले कीट जो कद्दूवर्गीय सब्जियों पर या पर अन्य सब्जियों पर जो अटैक करते हैं या अन्य फसलों पर अटैक करते हैं, वो किस पर शरण लेते हैं, हिरणखोरी खरपतवार पर शरण लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से पलवार का कार्य नहीं है, द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क ऑफ मल्चिंग, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वीड रिडक्शन, सेकेंड रिड्यूसिंग एवपोरेशन, थर्ड है रिड्यूसिंग ट्रांसपीरेशन, फोर्थ रिड्यूसिंग सोइल टेम्परेचर, बताएं यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा। खरपतवार की बढ़वार कम करना, वाष्पीकरण कम करना, वाष्पोत्सर्जन कम करना या मर्दा तापमान कम करना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वाष्पोत्सर्जन कम करना, प्रेम कुमारी चार नंबर, वेरी गुड, बताइए सभी स्टूडेंट सही उत्तर क्या होगा। पवन जागर तीन नंबर, पंकज वर्मा चार, तनिशन टारवाल तीन, सरिता चौधरी चार, मोना कुमाऊ चार, वेरी गुड। यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मर्दा तापमान को कम करना। देखो मल्च का प्रयोग करने से मर्दा तापमान कम नहीं होगा भाई, मर्दा तापमान क्या होगा, इंक्रीज होगा, मर्दा तापमान बढ़ेगा। तो यहां पर ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है, यहां पर जो गलत है वो है मर्दा तापमान कम करना। यहां पर मल्चिंग से मर्दा का तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना, खरपतवार की बढ़वार को कैसे रोकेगा ये, है ना। यदि अपन सतह पर मल्च का प्रयोग करते हैं तो वहां पर खरपतवार को क्या नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन एंड लाइट नहीं मिलेगी, और ऑक्सीजन एंड लाइट के अभाव में खरपतवार के पौधे क्या हो जाएंगे, बढ़वार उनकी कम होकर क्या हो जाएंगे, वो नष्ट हो जाएंगे। वाष्पीकरण कैसे, यदि अपन सोयल सतह पर यदि मल्च का प्रयोग करते हैं तो मर्दा की सतह से होने वाले पानी की हानि को क्या कर सकते हैं, अपन रोक सकते हैं। मर्दा सतह से जो वाष्पीकरण की क्रिया होती है उसको भी अपन कम कर सकते हैं, वाष्पोत्सर्जन को भी अपन कम कर सकते हैं। वाष्पोत्सर्जन कम कैसे, यदि आप मल्च का प्रयोग करेंगे तो खरपतवार जो पौधे हैं वो मल्च के नीचे दबने से क्या होगा, वो जो वाष्पीकरण की जो सॉरी जो ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया करेंगे उससे जल की हानि कम होगी। अगला क्वेश्चन, कीटनाशी व खरपतवारनाशी छिड़कने के लिए कौन सा यंत्र काम में लेते हैं, व्हाट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू स्प्रे इंसेक्टिसाइड एंड वीड्स, ओपी इंसेक्टिसाइड, ठीक है। यहां पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है कंबाइन, सेकंड है मोवर, थर्ड है स्प्रेयर, फोर्थ है थ्रेसर, बताइए यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन डाला गया है ना, तो यहां पर बिल्कुल वेरी गुड, जो करेक्ट आंसर होगा होगा स्प्रेयर, क्या होगा स्प्रेयर। यहां पर पावर स्प्रे भी काम में ले सकते हैं, नेपसेक स्प्रेयर भी काम में ले सकते हैं। यहां पर जो स्प्रेयर होता है जो उसका नोजल होता है वो नोजल किस प्रकार का होता है,
ये क्वेश्चन पूछा गया है WO 2015 वाले में, है ना। WO 2015 की वैकेंसी थी जिसका एग्जाम 2018 में हुआ था, कि खरपतवार नाशी का स्प्रे करने के लिए किस प्रकार के नोजल की आवश्यकता होती है। तो होती है फ्लेट फैन। कैसा ये नोजल होता है? फ्लेट फैन। तो ये ध्यान, बिल्कुल नाम आपको पता होना चाहिए, फ्लेट फैन नोजल, है ना। नोजल का क्या नाम है? फ्लेट फैन नोजल का प्रयोग करते हैं हर्बिसाइड का स्प्रे करने के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, भारत में फसलों को हानि पहुंचाने का क्रम है। फर्स्ट ऑप्शन वीड डिजीज एंड पेस्ट, थर्ड है वीड देन पेस्ट देन डिजीज, थर्ड है इंसेक्ट देन वीड देन डिजीज, और फोर्थ है इंसेक्ट देन डिजीज देन वीड। बताइए यहां पर सही आंसर क्या होगा। वेरी गुड पंकज वर्मा, पिंकी बाना दो नंबर, वेरी गुड अशोक चौधरी दो नंबर, सुनीता नेतर दो नंबर, पिंकी बाना, वेरी गुड मोना कुमावत, बिल्कुल सभी के आंसर यहां पर बिल्कुल सही है। यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दो नंबर। सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचाते हैं? खरपतवार, उसके बाद में कीट और फिर रोग। तो यहां पर देखो परसेंट की बात करें तो खरपतवारों द्वारा जो नुकसान होता है वो 33-40% होता है, उसके बाद में जो कीटों के द्वारा जो नुकसान होता है वो होता है 30% होता है, और रोगों के द्वारा जो नुकसान होता है वो 25% होता है, और अन्य के द्वारा कितना होता है? 5% होता है। तो ये फसलों को हानि पहुंचाने का सही क्रम कौन सा है? सबसे ज्यादा नुकसान खरपतवार पहुंचाते हैं, फिर कीट और फिर रोग। अगला क्वेश्चन, खरपतवारों को नष्ट करना या वृद्धि को रोकना एवं उसके कुप्रभाव को किसी विशेष अवधि के लिए एक विशिष्ट दशा में कम करना क्या कहलाता है, है ना। तो वीडिंग इज कॉल्ड डिस्ट्रॉइंग और इनहिबिटिंग ग्रोथ एंड रिड्यूसिंग इट्स इफेक्ट इन स्पेसिफिक कंडीशन फॉर पर्टिकुलर पीरियड। तो बताओ क्या कहलाएगा? प्रिवेंटिव मेजर्स कहलाएगा, वीड एलिमिनेशन कहलाएगा, वीड कंट्रोल, या बोथ दो व तीन। बताइए यहां पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा। सुनीता नेत्र चार नंबर, पंकज एक नंबर, पंकज वर्मा एक नंबर, मोना कुमाओ तीन नंबर। बिल्कुल यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहां पर तीन नंबर, खरपतवार नियंत्रण। क्या कहलाएगा? खरपतवार नियंत्रण। बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि यदि खरपतवारों की वृद्धि को क्या कर दिया जाए? कम कर दिया जाए, ताकि वो फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाए, उसकी संख्या में कमी कर दिया जाए, तो उसको कहते हैं खरपतवार नियंत्रण। क्या कहते हैं? खरपतवार नियंत्रण कहते हैं। निरोधात्मक उपाय क्या होगा? जिसको प्रिवेंटिव मेजर्स कहते हैं, यानी कि खरपतवारों को खेत में आने से रोकना। अपन कह सकते हैं कि शुद्ध बीज की बुआई करना, शुद्ध बीज की बुआई करना, या कह सकते हैं कि खरपतवार रहित बीज की बुआई करना। ठीक है, वो होगा कौन सा मेजर? प्रिवेंटिव मेजर, यानी कि खरपतवारों को खेत में आने से पहले ही रोक देना। ठीक है, दूसरा है वीड एलिमिनेशन, जिसको कहते हैं इरेडिकेशन भी कहते हैं। इरेडिकेशन, इरेडिकेशन क्या होगा? खरपतवारों को खेत में स्थापित होने के बाद में उनको पूर्णतया नष्ट करना, यानी कि कंप्लीटली खरपतवारों को नष्ट करना क्या कहलाता है? इरेडिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इरेडिकेशन। और कंट्रोल क्या कहलाएगा? खरपतवारों को उस हद तक कम करना ताकि वो फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाए, वो क्या कहलाएगा? वीड कंट्रोल कहलाएगा। अगला क्वेश्चन, सीमित क्षेत्र व पौधशाला में खरपतवार नियंत्रण की कौन सी यांत्रिक विधि काम में ली जाती है? सीमित क्षेत्र यानी कि कम क्षेत्रफल, यानी कि छोटा क्षेत्र, या फिर नर्सरी के अंदर कौन सा मेथड यहां पर सबसे उपयुक्त या इंपोर्टेंट है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन यहां पर है हैंड पुलिंग, सेकेंड है प्लोविंग, थर्ड है मोविंग यहां पर, और थर्ड है फ्लडिंग। बताइए यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी गुड, यहां पर बिल्कुल सभी का सही आंसर है। पवन जाकड़ एक नंबर, वेरी गुड पिंकी बाना एक नंबर, बिल्कुल सभी का यहां पर सही आंसर है। हाथ से खरपतवारों को उखाड़ना, हाथ से खरपतवारों को उखाड़ना, ये सीमित क्षेत्र या नर्सरी में खरपतवारों के नियंत्रण के लिए सबसे अच्छा उपाय है। ठीक है, सबसे अच्छा मैकेनिकल या यांत्रिक उपाय है। जुताई यानी कि ग्रीष्मकाल में ऐसे कर, जो खरपतवार जो छोटे होते हैं, या ग्रीष्मकाल में अच्छी बारिश हो जाए तो वहां पर जुताई करके खरपतवारों को नष्ट करना
किसमें आता है, प्लोविंग में आता है, बड़े खरपतवार जिनकी बढ़वार बहुत ज्यादा होती है और बड़ी साइज में बड़े होते हैं, उनको काट कर क्या करते हैं, उनका नियंत्रण करते हैं। और जो जल प्रभाव जो रेगिस्तानी क्षेत्रों में या जो रेतीली भूमियों में जो खरपतवार उगते हैं वहां पर जल प्रभाव करके उनको क्या कर सकते हैं, अपन नष्ट कर सकते हैं। मृदा सौरीकरण या तापन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? फर्स्ट ऑप्शन, इसमें रंगहीन पारदर्शी पॉलीथिन काम में लेते हैं। सेकंड ऑप्शन, पॉलीथिन सीट की मोटाई 25 से 50 माइक्रोन सर्वोत्तम है, इसमें रंगीन पारदर्शी पॉलीथिन काम में लेते हैं। थर्ड है, यह विधि ग्रीष्मकाल के लिए सर्वोत्तम है। तो बताएं यहां पर जो फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा होगा? एक नंबर, वेरी गुड वेरी गुड। यहां पर पवन जाकर तीन नंबर। अच्छा, यहां पर बिल्कुल पवन जाकर बिल्कुल सही है। तीन नंबर पिंकी बाना बिल्कुल सही है, जिसका आंसर तीन है उसका बिल्कुल सही है। यहां पर जो रंगीन पारदर्शी पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करते हैं ना, रंगीन पारदर्शी यहां से हटा देना, यानी कि इसके अंदर रंगहीन पारदर्शी पॉलीथीन का प्रयोग करते हैं। कौन सी पॉलीथीन का करते हैं? रंगहीन, यानी कि जिसका कोई रंग नहीं हो, बिल्कुल पारदर्शी पॉलीथीन हो, उसका प्रयोग करते हैं। पॉलीथीन सीट की मोटाई 25 से 25 माइक्रोन बिल्कुल सही है यहाँ पर, और यह विधि ग्रीष्मकाल में प्रयोग की जाती है, बिल्कुल सही। हाँ, तो यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट होगा, रंगीन पॉलीथीन काम में नहीं लेते हैं। अगला क्वेश्चन, खरपतवार अनुसंधान निदेशालय स्थित है, द डायरेक्टरेट ऑफ वीड रिसर्च इज लोकेटेड, जबलपुर, लखनऊ, पंतनगर या हैदराबाद? बताएं यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी गुड, यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो है जबलपुर। वेरी गुड, सभी का आंसर बिल्कुल सही है, जबलपुर एमपी, जबलपुर मध्य प्रदेश में क्या स्थित है, डायरेक्टरेट ऑफ वीड रिसर्च, खरपतवार अनुसंधान निदेशालय। अगला क्वेश्चन, निम्न में से एक बीजपत्री खरपतवार है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए एनुअल वीड, कौन सा यहां पर एक वर्षीय खरपतवार है? तो यहां पर देखिए, जो भी एक वर्षीय खरपतवार होते हैं वो कैसे होते हैं, सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार होते हैं, और द्विबीजपत्री खरपतवार कैसे होते हैं, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं। तो बताएं यहां पर सही आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन फर्स्ट गेहूसा, सेकंड प्याजी, थर्ड है मोता, फोर्थ उपरोक्त सभी। तो बताएं यहां पर करेक्ट आंसर। वेरी गुड, यहां पर मैं देख पा रहा हूं लगभग सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहां पर जो सही आंसर होगा वो चार नंबर, उपरोक्त सभी। सभी खरपतवार कैसे हैं? सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार हैं, और ये कैसे होंगे, नेचर में एक बीजपत्री या मोनोकोट होंगे, है ना, यहां पर एनुअल नहीं आएगा, मोनोकोट। मोनोकोट वीड कौन से होंगे? एक बीजपत्री खरपतवार सभी होंगे, गेहूसा भी है, प्याजी भी है, और मोता भी है। अगला क्वेश्चन, पेंडीमेथालिन का प्रयोग किया जाता है, पेंडीमेथालिन इज यूज्ड, फर्स्ट ऑप्शन बुआई से पहले, सेकेंड है बुआई के बाद और अंकुरण से पहले, थर्ड है बुआई के 35 दिन बाद या फिर कोई नहीं। बताइए यहां पर सही आंसर क्या होगा। वेरी गुड, यहां पर बिल्कुल सही आंसर, बुआई के बाद और अंकुरण से पहले, लगभग सभी बच्चों का बिल्कुल सही है, यानी कि बुआई के बाद और अंकुरण से पहले कौन से खरपतवारनाशी का प्रयोग करते हैं, यहां पर पेंडामेथिलीन का प्रयोग करते हैं। कौन सी फसलों में करते हैं? दलहनी और तिलहनी फसलों में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अपेक्षिक खरपतवार है, रिलेटिव वीड्स आर, रिलेटिव वीड कौन से होंगे, पहले अपन ने डिस्कस कर लिया इस पर, यानी कि खेत में उसी फसल की दूसरी प्रजाति का पौधा, किसी फसल में अन्य फसल का पौधा, फसल के खेत में मौसमी खरपतवार या उपयुक्त सभी। बताइए यहां पर सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल वेरी गुड, सभी का यहां पर सही है, किसी फसल में अन्य फसल का पौधा क्या कहलाएगा, आपेक्षी, या जिसको सापेक्ष खरपतवार भी कहते हैं, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, आपेक्षिक खरपतवार को क्या कहते हैं, सापेक्ष खरपतवार भी कहते हैं और रिलेटिव वीड भी कहते हैं। ये कौन सा होगा, किसी फसल में अन्य फसल का पौधा। गेहूं में खरपतवार नियंत्रण हेतु सल्फोसल्फ्यूरोन की प्रयोग दर ग्राम प्रति हेक्टेयर कितनी है? सल्फोसल्फ्यूरोन किस लिए करते हैं, सल्फोसल्फ्यूरोन का प्रयोग सक्रिय पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए, है ना, सक्रिय पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सल्फोसल्फ्यूरोन का, किसके स्थान पर, आइसोप्रोटोरोन के स्थान पर। तो यहां पर बताइए 10 से 20 ग्राम, सेकंड ऑप्शन है 20 से 40 ग्राम, थर्ड है 40 से 60 ग्राम और फोर्थ है 60 से 90 ग्राम। वेरी गुड, यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 20 से 40 ग्राम। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा, 20 से 40 ग्राम यहां पर सल्फोसल्फ्यूरोन का प्रयोग करते हैं। एक यहां पर 2,4-D के स्थान पर, किसके स्थान पर,
240 चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? 240 का उसके स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं? मैट सल्फ्यूरोन, मैट सल्फ्यूरोन मिथाइल, मैट सल्फ्यूरोन मिथाइल का प्रयोग किया जाता है। और मैट सल्फ्यूरोन जो मिथाइल होता है या मैट सल्फ्यूरोन जो होता है उसकी मात्रा काम में लेते हैं 6 ग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी मात्रा लेते हैं? मात्र 6 ग्राम प्रति हेक्टेयर या 6 से 8 ग्राम प्रति हेक्टेयर मात्रा ही काम में लेते हैं। सल्फो सल्फ्यूरोन की कितने लेते हैं? 20 से 40 ग्राम, ओनली ग्राम लिखना है यहाँ पर, ग्राम मात्रा ही काम में ली जाती है। तो इस प्रकार अपने आज की क्लास में लगभग ये 40 क्वेश्चंस पर डिस्कस किया खरपतवार विज्ञान के। कल अपना जो प्रश्नोत्तरी होगी, कल की जो प्रश्नोत्तरी रखी जाएगी वो भू परिष्करण पर रखी जाएगी, टिलेज पर रखी जाएगी। तो कल की क्लास से पहले, प्रश्नोत्तरी से पहले सभी स्टूडेंट टिलेज पढ़ के आएंगे, ठीक है। आज की क्लास में लास्ट तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।